जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार ममता यादव को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। नाम वापसी के आज आखिरी दिन सपा उम्मीदवार वीनू सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद ममता यादव ही एकमात्र उम्मीदवार बची थी, जिन्हें जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने विजय घोषित किया और उसके बाद जीत का प्रमाण पत्र दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सपा प्रत्याशी वीनू सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने बिजलीपुरा स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तनवीर खान ने कहा कि नामांकन के बाद उन्होंने आशंका जताई थी कि भाजपा धनबल और सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेगी। इस दौरान तनवीर खान ने जिले के कद्दावर भाजपा नेता पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार हमारे प्रत्याशी पर दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद आज वीनू सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। तनवीर खान ने कहा कि पार्टी ने सर्वसहमति से वीनू सिंह पर विश्वास जताया था और उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन अब वह अगर सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई हैं तो उससे पार्टी कमजोर नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हम सायहांपुर से सभी सीटें जीतेंगे और अखिलेश यादव को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। बरेली मंडल के आयुक्त और जनपद के जिलाधिकारी ने आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल राजकीय चिकित्सालय में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट और PICU वार्ड का निरीक्षण किया। आयुक्त ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार और CMS डॉक्टर सिन्हा से PICU की व्यवस्थाओं, ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन पाइपलाइन की प्रगति के विषय में चर्चा की। ऑक्सीजन प्लांट के कार्यों को तय समय सीमा में पूर्ण करने के भी आदेश दिए। खुटार पुलिस ने गोला रोड पर अवधेश ढाबा के पास से 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 लोग भागने में कामयाब रहे। गिरफ्तार किया गया अभियुक्तों के पास से टार्च और नकब लगाने वाला सामान बरामद हुआ है। खुटार पुलिस ने आज जानकारी देते हुए बताया कि सुबह करीब 4 बजे तिकुनिया तिराहा से अवधेश ढाबा के गोला रोड पर सड़क किनारे 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि अभियुक्त शातिर किस्म के चोर हैं, जो कि मवेशी चोरी और डकैती करने में माहिर हैं। पुलिस ने बताया कि यहां अभियुक्त चोरी की योजना बना रहे थे। फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की है। जलालाबाद से सपा विधायक शरद वीर सिंह ने सोशल मीडिया पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव से संबंधित खबर का खंडन करते हुए कहा है कि मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, समाजवादी पार्टी की टिकट पर ही विधायक बना हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव मेरे नेता हैं, अन्य किसी का एहसान नहीं है। मैं उन लोगों को चेतावनी दे रहा हूं जो मेरे बारे में मनगढ़ंत खबर सोशल मीडिया पर चला रहे हैं। उक्त लोग अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना उन्हें कानूनी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। सिंधौली में काम के बदले पैसे ना मिलने पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सिंधौली ब्लॉक पहुंची और उन्होंने खंड विकास अधिकारी श्री कृष्ण पांडे के सामने अपना विरोध जताया। दरअसल सिंधौली क्षेत्र के पटई गांव की महिलाएं जय मां दुर्गे स्वयं सहायता समूह और जय हनुमान स्वयं सहायता समूह चला रही हैं। इनका आरोप है कि समूह चलाते हुए 1.5 वर्ष हो चुका है, जबकि 7 महीने से बच्चों का राशन वितरण कर रहे हैं, उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है, उन्हें जल्द से जल्द पैसा दिलाया जाए। तिलहर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस ने अनिल और गुलवीर को पीर सिंह पुलिस चौकी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 25 लीटर शराब और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। तो वहीं पुलिस ने तालबीपुर दियोरिया से नेतराम को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 5 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। मौके से बरामद हुई 100 लीटर लहन को पुलिस ने मौके पर ही नष्ट करा दिया है। फिलहाल पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। तेलहर पुलिस द्वारा पास्को एक्ट में 7 माह से वांछित और फरार चल रहे अभियुक्त विजय कुमार वर्मा पुत्र वेदराम को गिरफ्तार किया है। विजय कुमार थाना रामचंद्र मिशन के बाड़ी गांव का रहने वाला है। तिलहर पुलिस ने विजय को रात 3:30 बजे उसके घर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है।
महानगर के बिजलीपुरा स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर युवजन सभा की बैठक जिलाध्यक्ष इम्तियाज मंसूरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर भाग लिया। इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने कहा कि नौजवान ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है, नौजवान ही चुनाव के समय वोटरों को घरों से निकाल कर पोलिंग बूथ तक ले जाने का व वोट डलवाने का काम करते हैं। उन्होंने सभी नौजवानों से अपील की है कि पिछले मुख्यमंत्री काल में प्रदेश की जनता के लिए जो भी ऐतिहासिक काम किए थे वह गांव-गांव व मोहल्लों के घर घर तक जाकर प्रचार प्रसार करें, जिससे 2022 में सपा की सरकार बने। नूरी मरकज में आज कोविड-19 से बचाव के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार और यूनिसेफ की तरफ से हुदा जोहरा शामिल हुईं। इस बैठक में तय किया गया कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में वैक्सीनेशन के लिए कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कम से कम 100 लोगों को कोविड वैक्सीनेशन कराया जाएगा। चिंदौली कस्बे में नाला चौक हो जाने के कारण ब्लॉक के गेट पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से आने जाने वाले राहगीरों सहित दुकानदारों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों के ठीक सामने पानी भरा होने के कारण ग्राहकों को पानी से निकलकर दुकान तक जाना पड़ रहा है, तो वहीं दुकानदारों का कहना है कि नाला बंद हो गया है इसलिए यहां पर पानी भर गया है। तिलहर पुलिस ने जुआ खेल रहे 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से ताश के पत्ते और नकदी बरामद हुई है। दरअसल पुलिस ने सूचना के आधार पर गांव धनौरा में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने जुआ खेल रहे इरफान, प्रदीप कुमार और अंकित को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2000 रुपये से ज़्यादा की नकदी और ताश के पत्ते मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।